Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू दिस इज माई नाइनटीन नाइनटीन लेक्चर एंड इस व्याख्यान का जो टॉपिक है वह है संक्षिप्त बिछाण की प्रक्रिया समरी ट्रायल चूँकि हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह लेक्चर तैयार किया है मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हिंदी भाषी छात्रों को क्या सुविधा होती है उसका मुझे बेहद कड़वा अनुभव है तो इसलिए मैं उनको ध्यान में रखते हुए स्लाइड को बनाने का प्रयास किया है मैंने जैसे कि पहले बताया अपने इसके ठीक पहले वाले व्याख्यान में मैंने बताया था कि चार प्रकार के ट्रायल हैं विशेषकर सेशन ट्रायल है वारंट ट्रायल समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल तो सत्र न्यायालय के द्वारा बेचाण की प्रक्रिया वारंट मामले में बेचाण की प्रक्रिया और तीसरा है समन मामलों में ट्रायल का क्या प्रोसीजर है और फोर्थ है संक्षिप्त ट्रायल समरी ट्रायल इस व्याख्यान के अंतर्गत ये देखेंगे कि वे कौन से अपराध हैं जिनका संक्षेप में ट्रायल किया जाता है और उस संक्षेप ट्रायल करने के पश्चात यदि ट्रायल कोर्ट अभियुक्त को, को दोषी पाता है तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितना हो सकता है उसको देखेंगे और फिर इससे संबंधित जो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान है माननीय उच्चतम न्यायालय के जो उस पर निर्णय हैं उसका भी अध्ययन इस व्याख्यान के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे आप स्क्रीन पर देखें जैसा कि मैंने उस पर लिखा है संक्षिप्त बिछाण की प्रक्रिया सेक्शन 260 में दिया हुआ है धारा 260 से लेकर के दो तक के प्रावधान समरी ट्रायल की बात करते हैं संक्षेप में बिछाण की बात करते हैं तो संक्षेप में ट्रायल किस अपराध का होगा मैंने केवल और केवल ये बताया है सी, सी के अंतर्गत कि अपराध की, की जम गंभीरता के आधार पर अपराध को दो भागों में बांटा गया है समन ट्रायल वारंट ट्रायल धारा टू के अनुसार सियादन प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा टू के अनुसार समन मामलों से तात्पर्य उन मामलों से है जो दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होते हैं उस धारा में जो समन मामले की परिभाषा दी गई है कि वे अपराध जो मृत्युदंड आजीवन कारावास और दो वर्ष से अधिक अथवा दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है समन मामले कहलाते हैं हम इसको साधारण शब्दों में कहें तो धारा टू डब्लू के अनुसार समन मामलों से तात्पर्य उन मामलों से है जो दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं वे समन मामले कहलाते हैं तो स्वाभाविक है कि समन मामलों में ही अभी इसके ठीक पहले मैंने बताया कि ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा और उस समन मामले से भी यह कम आ, समाज के लिए कम हानिकर मामले हैं जिसमें संक्षेप में बिछाण किया जाएगा तो अब इसमें देखेंगे कि वे अपराध जो समन मामले से भी दो वर्ष से कम के कारावास से भी दंडनी हैं वो उस उसमें समन मामले वे समन मामले होते हैं और न्यायालय ट्रायल क्या क्या प्रक्रिया अपनाता है इसके पहले हमने देखा कि वो उसका प्रावधान धारा 251 से लेकर के 259 तक में किया गया है अब इसमें देखेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि समरी ट्रायल कौन न्यायाधीश कर सकता है आप स्क्रीन पर देखें मैंने लिखा है कि समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण कौन न्यायाधीश कर सकता है उसको मैंने सी को बताने का प्रयास किया है लिखा है पहला इसमें कि सी के द्वारा समरी ट्रायल किया जा सकता है दूसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट जे एम फर्स्ट एम्पावर्ड बाई द हाई कोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा जिसे हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त किया गया हो अब मजिस्ट्रेट जो मामले का संक्षिप्त विचारण के लिए अगर सशक्त नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और वह अगर संक्षिप्त विचारण करता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा धारा चार एम के अंतर्गत ऐसा ट्रायल शून्य होगा तो यह बात तो क्लियर हो गई कि कौन से कोर्ट को समरी ट्रायल का पावर दिया गया है जे एम फर्स्ट सी जी एम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है परंतु तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समरी ट्रायल के लिए सशक्त नहीं है जब तक हाई कोर्ट उसको एम्पावर्ड न किया हो सशक्त न किया हो वैसे जे एम सेकेंड भी होती हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग वो भी समरी ट्रायल कर सकते हैं बसरते उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा करने के लिए सशक्त किया गया हो परंतु जैसा कि मैंने स्क्रीन पर ही बताया है कि धारा चार सौ इकसठ फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि वे अनियमितताएँ जो कार्रवाई को दूषित करती हैं सेक्शन फोर सिक्सटी वन सी आर पी सी के अंतर्गत ये बताया गया है कि कार्रवाई मात्र इरेगुलर ही नहीं होंगी अनियमित ही नहीं समझी जाएंगी बल्कि सक्षम अधिकारिता के अभाव में लिया गया निर्णय अपास्त किए जाने योग्य होगा शून्य किए जाने योग्य होगा जिस भी न्यायालय को धारा फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत जो भी मामले आएंगे वे मामले निश्चित रूप से शून्य किए जाने अपास्त किए जाने योग्य होंगे तो यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई न्यायालय सक्षम अधिकारिता नहीं है कॉम्पिटेंट नहीं है समरी ट्रायल करने का और वो समरी ट्रायल कर देता है किसी मामले में तो जिस किसी भी अपराध का संक्षेप में विचारण करने की अधिकारिता नहीं है कानून ने मना किया है कानून प्रतिबंधित करता है यदि उस अपराध का समरी ट्रायल कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से अन्याय होगा इसलिए उसका प्रभाव क्या होगा शून्य है फोर सिक्सटी वन उपधारा एम के अंतर्गत दिया गया है कि अपीली यदि ऐसा व्यक्ति जिसका समरी ट्रायल हुआ है संक्षेप में विचारण हुआ है तो वह अपील में या रिवीजन कोर्ट में जा करके अपने उस अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त या शून्य करा सकता है तो ये बातें क्लियर हो गई कि न्यायालय अधिकारिता न रखते हुए अगर किसी आपराधिक मामले का समरी ट्रायल कर दे संक्षेप में विचारण कर दे तो उसका प्रभाव क्या होगा शून्य होगा सेटिसाइड कर दिया जाएगा अब चूंकि समरी ट्रायल मैंने बताया कि जितने चार प्रकार के मुख्यतः ट्रायल हैं सेशन ट्रायल वारंट ट्रायल समन ट्रायल और संक्षिप्त समरी ट्रायल तो समरी ट्रायल के अंतर्गत भी जब मामला ट्रायल के लिए प्रा विषाण होगा तो समरी ट्रायल में भी ट्रायल कोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो अभियुक्त उसके समक्ष हाजिर हुआ है या लाया गया है यदि वह निर्धन है गरीब है तो ऐसी स्थिति में उसको राज्य के खर्चे पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ये कंप्लायंस क्यों आवश्यक है प्रत्येक ट्रायल के अंतर्गत ये बुनियादी या जो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हैं किसी भी ट्रायल को प्रारंभ करने के पूर्व ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि अभियुक्त निर्धन है यह निर्धनता का प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करता है और राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता नियुक्त की मांग करता है तो न्यायालय के लिए यह बाध्य कर है कि वह उस प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा यदि आवेदक के द्वारा निर्धन व्यक्ति के द्वारा मांग भी न किया गया वह एप्लीकेशन आवेदन नहीं भी करता है तो इसका यह इसका यह या कदापि अर्थ नहीं होगा कि वह अपने अधिकार से वंचित हो गया और न्यायालय इस आधार पर उसको राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता नियुक्त करने से मना नहीं कर सकता कि चूँकि अभियुक्त की तरफ से आवेदन नहीं दिया गया हो सकता है अभियुक्त शिक्षित न हो अभियुक्त अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो जानता न हो कि उसको भी ये कानून में ऐसा प्रावधान है तो न्यायालय के द्वारा कोर्ट के द्वारा भी विषाण प्रारंभ करने के पूर्व यह पूछा जाएगा अभियुक्त से कि क्या वह निर्धन है यदि निर्धनता संबंधी सर प्रावधान है कि यदि वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे न्यायालय में तो उस अभियुक्त को राज्य के खर्चे पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तो यह प्रत्येक ट्रायल कोर्ट को विषाण प्रारंभ होने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि अभियुक्त निर्धन है तो राज्य के खर्चे पर उसको अधिवक्ता अपॉइंट किया जाए एक बात इसका प्रावधान कहाँ किया हुआ मैंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 304 के अंतर्गत किया गया है फ्री लीगल एड की बात की गई है निःशुल्क विधिक सहायता की और संविधान के की ली ट्वेंटी के अंतर्गत कहा गया है पहली बार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एम एच हॉसकॉड वर्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी एट सुप्रीम कोर्ट के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णित किया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जीवन के अधिकार का भिन्न भाग है इसलिए जीवन के अधिकार की हम कल्पना नहीं कर सकते यदि व्यक्ति निर्धनता के कारण वह जेल में बंद है और अपना न्याय पाने से वंचित है तो निर्धनता न्याय पाने में वंचित न्याय पाने में बाधक नहीं होगी यह सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एम एच हाउसॉट की केस में सर्वप्रथम यह निर्णय किया गया कि राइट टू फ्री लीगल एड दैट इज फंडामेंटल राइट निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार यह मौलिक अधिकार है इसलिए प्रत्येक ट्रायल इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ कि चाहे सेशन ट्रायल हो वारंट ट्रायल हो या समन ट्रायल है या समरी ट्रायल है प्रत्येक ट्रायल में ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि उसके समक्ष जो अभियुक्त उपस्थित है वह वह निर्धन है या सक्षम है यदि वह निर्धन है तो राज्य के खर्चे पर उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी अब इसके पश्चात है जो महत्वपूर्ण प्रावधान ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि अभियुक्त को अपनी मनपसंद के अधिवक्ता अपॉइंट करने का भी अधिकार है वह उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद अधिवक्ता अपनी च्वाइस के मनपसंद अधिवक्ता से विधिक परामर्श कर सकता है यह उसका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 के अंतर्गत संविधान में प्रदत्त किया गया है अब इसके पश्चात ये सी में भी यह प्रावधान किया गया है प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार या विधिक सहायता का अधिकार या मौलिक अधिकार है संविधिक अधिकार है या दोनों है तो सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि यह दोनों है यह फंडामेंटल राइट भी है एज वेल एज स्टैचुट्री राइट भी है स्टेचुटरी राइट इसलिए है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 के अंतर्गत विधिक अधिकार को एक लीगल राइट को एक स्टैचूटरी राइट माना गया है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए व्यक्ति का बिना विधिक प्रतिनिधित्व के उसके विषय में लिया गया निर्णय अपास्त किए जाने योग्य होगा तो ये दो प्रावधानों को ध्यान देना है कि सेक्शन 303 जीरो थ्री सी संविधान का आर्टिकल ट्वेंटी वन इस दोनों प्रावधानों को ध्यान से देखते हुए अब इसको देखते हैं कि समरी ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या है 1973 में जब सीआरपीसी आर इनेक्ट की गई तो आप देखिए कि 1973 का भारत और उस समय इस कानून के माध्यम से इस विशिष्ट ट्रायल के माध्यम से विधायिका का क्या उद्देश्य रहा होगा कि समरी ट्रायल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वे अपराध जो दो वर्ष से कम के कारावास से दंडनी हैं उनके लिए विशेष ट्रायल की बात मैंने पहले ही बताई पहले व्याख्यान में कि वह समन ट्रायल के रूप में जाने जाएंगे और उनका ट्रायल समन ट्रायल के अंतर्गत किया जाएगा परंतु उससे भी कुछ छोटे अपराध हैं उनका भी ट्रायल होना चाहिए तो उस ट्रायल में बिना आरोप तय किए भी हुए जिस प्रकार से हम सेशन ट्रायल में देखते हैं वारंट ट्रायल में देखते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध चूंकि वह अपराध इतने गंभीर होते हैं अपराध इतने बड़े होते हैं कि उसमें अभियुक्त को फुल ट्रायल पूरा का पूरा विषाण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है संक्षेप जो ट्रायल समरी ट्रायल में ऐसे अपराध होते हैं जो पीटी अपराध हैं छोटे अपराध हैं अधिकतम सज़ा इसमें या अधिकतम जुर्माना दो हज़ार रुपये तक का हो तो ऐसे अपराधों को समरी ट्रायल ही कर दिया जाए अभियुक्त की गा अभियुक्त के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए गवाहों की गवाही हो अभियुक्त के विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया जाए तो निश्चित रूप से यह पेंडेंसी आप सूट्स जो है बढ़ेंगे पेंडेंसी आप केसेस जो है आपराधिक न्यायालय के समक्ष और भी बढ़ जाएंगे आप ये कल्पना करें कि यदि समरी ट्रायल में प्रावधान कर दिया गया होता कि अभियुक्तों को अभियुक्त के विरुद्ध बिना आरोप तय किए हुए बिना गवाहों के साक्षियों के गवाही साथियों के कथन को दर्ज किए हुए संक्षिप्त विचारण नहीं होगा तो यह एक प्रकार से लाइसेंस देना होता न्यायपालिका को कि कोर्ट के समक्ष छोटे मामलों में भी लंबित वादों की संख्या बहुत बढ़ जाती क्योंकि यह प्रोसीजर का जो कंप्लायंस है इट विल टेक टाइम बहुत समय लग जाएगा और अपराध है किस अपराध का नेचर क्या है कि जुर्माना दो हज़ार ऐसा अपराध किया है जिसमें मैक्सिमम फाइन दो हज़ार रुपया लग सकती है पहले चूँकि दो हज़ार पाँच में संशोधन से पहले समरी uh, ट्रायल उन अपराधों का होता था जिनमें अधिकतम जुर्माना दो सौ रुपये का होता था तो टू थू हंड्रेड रुपये के जुर्माना वाले मामलों में आप ये देखें कि अगर चार्ज फ्रेमिंग होने लगेगी गवाहों की गवाही होने लगेगी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा री एग्जामिनेशन होगा तो निश्चित रूप से यह बहुत समय लगेगा और अभियुक्त चूँकि ट्रायल हो रहा है तो अभियुक्त को जेल में रहना है अभियुक्त यदि जेल में है तो सरकार के खर्चे पर उसके पूरे रहने की खाने की पूरी व्यवस्था स्टेट को लेना है तो जब हम समरी ट्रायल करेंगे स्पीडी जस्टिस इंश्योर करेंगे तो न केवल हम राज्य के अनावश्यक खर्चों को कम करेंगे बल्कि जो भारतीय संविधान की आर्टिकल इक्कीस द्वारा अपेक्षित स्पीडी जस्टिस का है स्पीडी ट्रायल है राइट टू तो स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट है हम भारतीय संविधान के मैंडेट को जो स्पीडी ट्रायल के रूप में शीघ्रतर विचारण का अधिकार है उसको भी पूर्ण कंप्लीट कर पाएंगे आप ये देखें कि यही एक कारण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णित किया गया कि स्पीडी ट्रायल शीघ्रतर विचारण का अधिकार संविधान के आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न भाग है यदि किसी भी व्यक्ति को हम लंबे समय तक जेल में निरुद्ध रखते हैं और विचाराधीन विचाराधीन कैदी के रूप में ट्रायल अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में जेल में रखा हुआ है उसके आर्टिकल इक्कीस का संविधान में आर्टिकल इक्कीस जीवन के अधिकार का शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा हम स्टेट एजेंसी या अन्वेषण एजेंसी की लापरवाही या अकर्मणता के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते या किसी भी व्यक्ति को हम अनिश्चित काल तक ने जेल में निरुद्ध नहीं रख सकते यदि चार नहीं आती पुलिस अन्वेषण एजेंसी जानबूझ करके या उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले में अन्वेषण नहीं हो सकता कोई चश्मदीद गवाह नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में और वे अपराध दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है चार उसमें नहीं आ रही है पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आक्रमण है लापरवाह है तो हम उस लापरवाही से किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को या उसके शारीरिक स्वतंत्रता को बाधित नहीं होने देंगे इसी अवधारणा के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुसैन आरा खातून की केस में सर्वप्रथम यह निर्णित किया गया कि स्पी ट्रायल शीघ्रतर विचारण का अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए यह फंडामेंटल राइट है आर्टिकल ट्वेंटी के अंतर्गत तो अभी देखते हैं कि जो समरी ट्रायल है इस समरी ट्रायल के द्वारा हम स्पीडी ट्रायल भी सुनिश्चित करते हैं क्योंकि इसमें चार्ज फेमिंग नहीं होती और सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती जो ट्रायल कोर्ट जो वारंट ट्रायल में होती है तो उन औपचारिकताओं को मानने के लिए समरी ट्रायल में कोर्ट बाध्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम स्पीडी जस्टिस को भी सुनिश्चित करते हैं न्याय भी इन इनएक्सपेंसिव है खर्च कम खर्चीला है और जिसके माध्यम से हम न्यायालय के समक्ष आपराधिक न्यायालय के समक्ष जो लंबित वादों की संख्या है उसको भी कम करने में सफल होंगे तो ये मैंने बताया कि समरी ट्रायल के ऑब्जेक्ट क्या हैं संक्षिप्त विचारण के उद्देश्य क्या हैं और यह उद्देश्य लॉजिक भी लॉजिकल भी हैं वैध भी हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है अब आते हैं समरी ट्रायल के प्रोसीजर न्यायाधीश कौन है इसको बताने से पहले अगर हम ये कह दें कि एट द टाइम ऑफ ट्रायल इसमें भी अगर हम प्ली बार्गेनिंग को ला दें इसमें भी हम कंपाउंडेबल ऑफ़ सेक्शन 320 के अप्लाई कर दें तो निश्चित रूप से जो हमारा ये समरी ट्रायल है और कम समय में ट्रायल समाप्त हो जाएगा अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सकता है तो मैं समझता हूँ कि पहले समरी ट्रायल के क्या प्रोसीजर हैं वो देख लिया जाए उसके पश्चात इसमें क्या संशोधन होने चाहिए या कौन से वे मैकेनिज़्म हैं जिसके माध्यम से हम समरी ट्रायल को और इफ़ेक्टिव प्रभावी बना सकते हैं उस पर चर्चा की जाएगी तो आप ये देखें कि समरी ट्रायल कौन न्यायाधीश कर सकता है मैंने स्क्रीन के माध्यम से आपको इस पे स्लाइड के माध्यम से बताया स्क्रीन पर देखें आप अब आते हैं वे कौन से अपराध हैं जिनका संक्षिप्त विचारण होगा ये मैंने अपराध की गंभीरता के आधार पर देखें वे अपराध जो मृत्युदंड या जीवन कारावास या दो वर्ष अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है अर्थात बिलो टू ईर्स हैं उन सभी मामलों का समरी ट्रायल हो सकता है एक दूसरा उन अपराधों का भी समृत ट्रायल हो सकता है जो आईपीसी की धारा थ्री सेवेंटी नाइन और तीन सौ अस्सी के अंतर्गत ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य दो सौ से कम है आईपीसी की धारा चार सौ ग्यारह के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना जिसका मूल्य दो हज़ार से कम है ऐसी चोरी के मामलों में संक्षिप्त बिछाण किया जाना चाहिए आप ये देखें कि जो चोरी का मामला है वह वारंट मामले की भांति उसमें वारंट मामले की प्रक्रिया अपनाई जाती है क्योंकि चोरी को संघे और अजमानती अपराध बनाया गया है और वारंट मामलों से तात्पर्य उन मामलों से है जो दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनी है तो चोरी में जो पनिशमेंट है थ्री सेवेंटी नाइन के अंतर्गत वह दो वर्ष से ज़्यादा है मैक्सिमम तीन साल की सजा होती है चोरी के अपराध में तो चोरी के अपराध को जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची है उस प्रथम अनुसूची के अंतर्गत फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत चोरी को संज्ञेय बनाया गया है और अजमानती बनाया गया है तो उसमें चूंकि वारंट मामला है वारंट मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है और चोरी जैसे मामले में हम वारंट मामले की प्रक्रिया को अपनाते हैं चोर का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा चोर के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा चोरी के मामले में उस अभियुक्त को फुल ट्रायल पूरे निष्पक्ष बिछाण के जितने भी आवश्यक कंपोनेंट हैं घटक हैं उस सभी को पालन करते हुए तभी मामले का ट्रायल प्रारंभ हो सकता है लेकिन अब चोरी जो सेक्शन 379 के अंतर्गत है जिसमें सजा का प्रावधान कारावास का प्रावधान है उसका समरी ट्रायल नहीं हो सकता है यदि उसका समरी ट्रायल किया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा इफेक्ट वुड बी वायड उसका प्रभाव जो है वह शून्य होगा और ये बात सेक्शन फोर सिक्सटी एम में लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखना है अब आते हैं एक ही अपराध है चोरी उसमें वारंट ट्रायल भी हो रहा है और समरी ट्रायल भी हो रहा है कैसे विरोधाभास है यह विरोधाभास नहीं है क्योंकि चोरी को प्रथम अनुसूची दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल में अजमानती और, और संज्ञे अपराध घोषित किया गया है तो जब संगे अपराध और अजमानती है तो उसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अजमानती और संघीय अपराध में न्यायालय अपनाता है अब डिपेंड होता है कि कितना पनिशमेंट है कितने साल की सजा है तो मैक्सिमम तीन वर्ष की सजा है चोरी के मामलों में तो यह स्वाभावत स्वाभाविक रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के कोर्ट में यह मामला जाता है और उसी न्यायालय के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है अब चोरी के मामले को मैंने बताया कि सेक्शन 379 के अंतर्गत चोरी अगर हुई है और वह चोरी दो हज़ार रुपये से अधिक मूल्य के वस्तु की है तो उसमें समरी ट्रायल नहीं होगा उसका ट्रायल वारंट मामले की तरह होगा ये देखें धनराशि का पिकनरी जो जो है मात्र धनराशि का एक रुपये का अंतर हो जाना उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर मामला हो जा रहा है जैसे मैंने बताया कि चुराई हुई संपत्ति का मूल्य अगर दो हज़ार रुपये से कम है तो उस मामले में समरी ट्रायल होगा और दो हज़ार रुपये से अगर अधिक है तो उसी अपराध का ट्रायल वारंट ट्रायल होगा जो कि मैंने सेक्शन 238 से लेकर के 250 तक बताया था तो ये बात बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि कब सेक्शन 379 में चोरी के लिए कब वारंट ट्रायल होगा और कब समरी ट्रायल होगा तो एक बात ये क्लियर हो गई कि चुराई हुई संपत्ति का यदि चुराई हुई संपत्ति की जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी कीमत यदि दो से कम है तो उसमें समरी ट्रायल होगा और दो हज़ार रुपये से यदि अधिक की कीमत की वस्तु चोरी गई है तो वारंट ट्रायल की भांत उसमें कार्य होगा चुराई हुई संपत्ति धारा चार सौ ग्यारह आई पी सी कहती है कि चुराई हुई संपत्ति जिस व्यक्ति के पास से पाया जाता है कानून उपधारित करती है कि या तो वह व्यक्ति चोर है या यह जानते हुए कि चुराई हुई संपत्ति अपने पास रखा हुआ है तो अब ऐसी स्थिति में धारा चार सौ ग्यारह आई पी सी के प्रावधान करती है कि चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना जिसका मूल्य दो हज़ार रुपये से कम है तो इसमें समरी ट्रायल होगा ये कुछ अपराध हैं जिसको मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि इसमें समरी ट्रायल हो सकता है अब आईपीसी की धारा चार सौ चौदह के अंतर्गत देखें चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में छिपाने में सहायता या बयान में सहायता जिसका मूल्य दो हज़ार रुपये हो तो भारतीय संहिता के अंतर्गत जो आईपीसी जो धारा चार सौ चौदह है उसमें यदि चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता किया जाता है या उसको बेचने में चुराई हुई संपत्ति को बेचने में सहायता किया जाता है वास्तव में उस संपत्ति का मूल्य दो हज़ार रुपये से कम है तो ऐसी स्थिति में उसमें समरी ट्रायल होगा और स्पीडी जस्टिस हो जाएगी मामला एक माह दो माह के भीतर ही डिसाइड हो सकता है तो आप ये देखें और यह एक माह और दो माह के भीतर डिसाइड केवल इसलिए हो पा रहा है कि इसमें ग अभियुक्तों के क्रॉस एग्जामिनेशन का अभियुक्तों के री एग्जामिनेशन का क्रॉस एग्जामिनेशन का चार्ज फ्रेमिंग का इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती तो इसलिए चार सौ चौदह आई पी सी के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति जिसका मूल्य दो हज़ार रुपये है उसका समरी ट्रायल किया जाएगा संक्षेप में विचारण किया जाएगा दूसरा मैंने लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा पाँच सौ चार पाँच सौ छः जिसमें आपराधिक अभित्रास है आपराधिक धमकाना किसी को अधिकतम कारावास है दो वर्ष का अब उस दो वर्ष के कारावास के लिए आप ये देखें कि सेक्शन 404 और फोर जीरो सिक्स आई पी सी मैक्सिमम पनिशमेंट है जो दो वर्ष का है या जुर्माना है तो ऐसे मामले में भी समरी ट्रायल हो सकता है ये प्रावधान सेक्शन 4504 और 506 में किया हुआ है तीसरा है गृह अतिचार फोर फिफ्टी फोर फोर फिफ्टी सिक्स गृह भेदन गृह भेदन जो कारावास से दंडनीय है हाउस ब्रेकिंग जो मात्र कारावास से दंडनी है उसका ट्रायल क्या होगा स्टैच्यूट ये कहता है कि उसमें समरी ट्रायल होगा क्यों क्योंकि गृह अत्याचार यद्यप कितने बड़े नहीं हैं कि ये समाज के लिए अब उसमें कारावास से मात्र दंडनीय है तो उसका ट्रायल संक्षेप में किया जाएगा अभियुक्त के विरुद्ध बिना चार्ज तय किए बिना आरोप तय किए कार्रवाई की जा सकती है और अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है गृह अतिचार गृह भेदन में चार्ज फेमिंग के बिना भी आरोप तय किया जा सकता है अब है वे अपराध जिनका संक्षिप्त बिचारण हो सकेगा उपरोक्त अपराधों का दुष्प्रेरण मैंने लिखा है उपरोक्त अपराधों का प्रयत्न लिखा हुआ है विचारण की वही प्रक्रिया होगी जो समन मामलों में अपनाई जाती है मैंने स्लाइड के सबसे राइट में लिखा हुआ है अब चोरी के अपराध का अगर अबेटमेंट किया जा रहा है या चुराई हुई संपत्ति को रखने के लिए अबेटमेंट किया जाता है अटेम्प्ट किया जाता है तो ट्रायल की वही प्रक्रिया होगी जो समन मामलों में कोर्ट के द्वारा अपनाई जाती है तो ये बात क्लियर हो गई कि न केवल अपराधों को बल्कि उनके अबेटमेंट को भी उनके अटैम्प्ट को भी आपराधिक विधि के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है अब आते हैं रिकॉर्ड न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा यह क्या है प्रत्येक संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट सेल रिकॉर्ड आप उसको देखें कि प्रत्येक संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट सेल रिकॉर्ड सीरियल नंबर ऑफ द केस अपराध करने की तारीख परिवाद की तारीख परिवादी का नाम अभियुक्त का नाम पता एवं निवास अभी क्या हो गया कि समरी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है इट मस्ट बी रिकॉर्डेड उनको भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कैसे कोर्ट के द्वारा समरी ट्रायल के रिकॉर्डिंग के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा पहला है कि सीरियल नंबर ऑफ़ द केस केस का सीरियल नंबर कौन है ईयर क्या है वर्ष क्या है डेट ऑफ डिसीजन क्या है दूसरा है सीरियल नंबर ऑफ द केस सीरियल नंबर केस का क्या है अपराध करने की तारीख क्या है परिवाद की तिथि क्या है परिवादी का नाम को जो कंप्लेनेंट है कंप्लेंट किस डेट को किया गया और कंप्लेनेंट कौन है इसका स्पष्ट उल्लेख और ट्रायल समरी ट्रायल के दौरान न्यायालय के द्वारा किया जाएगा तो अभियुक्त का नाम पता स्वाभाविक है कि अभियुक्त जिसके विरुद्ध में समरी ट्रायल करना है उसका नाम पता निवास होना चाहिए जिसने शिकायत किया है परिवादी का नाम पता होना चाहिए परिवाद किस तारीख पर किया गया है यह तारीख समय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तारीख लिख देने से एक बाध्यता हो जाती है अन्वेषण करने वाली एजेंसी को भी वह समय सीमा के भीतर मामले को अन्वेषण करके रिपोर्ट देने का प्रयास करने लगते हैं तो ये सीरियल नंबर होगा और अपराध करने की तारीख परिवादी का नाम परिवाद का शिकायत किस प्रकार का है उसका भी नाम उसमें होगा कि चोरी के लिए परिवाद किया गया है घरेलू हिंसा के लिए परिवाद किया गया कंप्लेंट किया गया है किसका है यह स्पष्ट नाम संक्षिप्त विचार करने वाला न्यायालय के द्वारा लिखा जाएगा दूसरी तरह मैंने स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है कि ऐसी संपत्ति का मूल्य अभ्युक्त की दलील एवं उसकी परीक्षा दंडादेश का दंडादेश या अन्य अंतरिम आदेश प्राप्त करना अपुना भी मैं बता रहा था इसमें आप स्लाइड पे देखें निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार विधिक सहायता का अधिकार आरोप की संक्षिप्त सूचना यह तीनों जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं यह जो राइट टू फेयर ट्रायल में बता रहा था राइट टू फेयर ट्रायल राइट टू फेयर ट्रायल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्या कोई भी व्यक्ति निर्धनता के कारण न्याय पाने से पंचित, वंचित नहीं होगा यह प्रावधान दांडिक मामलों में क्रिमिनल केस में सेक्शन थ्री जीरो फोर के द्वारा प्रदान किया गया है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार सेक्शन थ्री जीरो फोर सी आर पी सी यह ट्रायल प्रारंभ होने के समय ही न्यायालय कोर्ट को डिसाइड करना है ट्रायल प्रारंभ होने के पहले ही न्यायालय कोर्ट को डिसाइड करना है कि विधिक सहायता उपलब्ध की जाए तीन सौ तीन तीन सौ तीन सी आर पी सी उपलब्ध कराई जाए आरोप की सूचना यह राइट टू फेयर ट्रायल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आरोप की संक्षिप्त सूचना देने का उद्देश्य क्या है चार्ज सब्सटेंस ऑफ चार्ज एक्यूज को सूचित किया जाना आवश्यक है जिससे कि वो अपना बचाव कर सके तो आरोप की संक्षिप्त सूचना के विषय में आ, जैसा कि मैंने बताया समरी ट्रायल में चूंकि आरोप तय नहीं किया जाता जब समन केस में आरोप तय चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती तो समरी ट्रायल तो उससे भी छोटा है यहाँ भी चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है बिना आरोप आरोप किए हुए मामले में अंतिम निर्णय लिया जाता है समरी ट्रायल के अंतर्गत अब देखते हैं कि यह न्यायालय के द्वारा अपनाई जाने वाली जो सामान्य प्रक्रिया है यह कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो मैंने बताया कि आरोप की संक्षिप्त सूचना समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण में भी अभियुक्त को दिए जाने का उद्देश्य अभियुक्त को यह अवगत करा देना कि उसके विरुद्ध किसी तारीख और समय पर परिवादी के द्वारा अमुख परिवादी के द्वारा एक शिकायत की गई है तो आरोप को संसूचित किए जाने से अभियुक्त अपना बचाव प्रभावी तरीके से न्यायालय के समक्ष कर सकता है और वह दस्तावेज के माध्यम से महत्वपूर्ण जो अगर डॉक्यूमेंट है उसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है और तो यह एक प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये इसको मैं अगर लिखूं कि यह प्रिंसिपल ऑफ हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत इसको बोलते हैं कैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है प्रिंसिपल ऑफ यह आप सभी जानते होंगे एक केस है एक लैटिन सूत्र है वह लैटिन सूत्र है अल्ट्रम आरडी अल्ट्रम पार्टम ये आरडी अल्ट्रम पार्टम है अर्थात पार्टी मस्ट बी हर्ड पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए हुए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर डी अल्ट्रम पार्टम जिसको बोलते हैं लैटिन वर्ड है ये पार्टी मस्ट बी हर्ड इसका अंग्रेजी अंग्रेजी रूपांतर है पार्टी मस्ट बी हर्ड और हिंदी अर्थ इसका है पक्षकार को सुना जाना चाहिए बिना पक्षकार को सुने हुए दिया गया दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य होगा नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर शून्य किए जाने योग्य होगा तो ये बात हो गई कि राइट टू लीगल एड राइट टू फ्री लीगल एड धारा 303, 304। अब इसके अंतर्गत देखते हैं जजमेंट क्या है प्रोसीज सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दोषी है तो वह निर्णय सुनाए जाने के लिए कोई तारीख और समय नियत करेगा फिक्स करेगा उस तारीख और समय पर यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध इसको इस रूप में देखें अगर निर्णय न्यायालय के जो निर्णय की भाषा है मुझे लगता है कि जजमेंट है दो सिद्धि और दोष मुक्ति इस केस में मैंने जैसा कि आपको बताया आर डी अल्टम पार्टम पार्टी मस्ट बी हर्ड ये आरोप की संक्षिप्त सूचना इसके दिए जाने का उद्देश्य मात्र आपराधिक मामलों में अभियुक्त को एक अवसर प्रदान करना है जिससे वह अपना बचाव न्यायालय के समझ कर सकता है और यह जो राइट टू फेयर ट्रायल है यू डी के अंतर्गत उसमें भी आरोप की सूचना दिए जाने का प्रत्येक आपराधिक न्यायालय पर एक विधिक बाध्यता है संवैधानिक बाध्यता भी है कि बिना आरोप की सूचना दिए हुए लिया गया निर्णय अपास्त किए जाने योग्य होगा शून्य किए जाने योग्य होगा तो मैं ये बता रहा था कि जो आरोप की संक्षिप्त सूचना है की, वह ट्रायल कोर्ट के द्वारा अभियुक्त को उसी की भाषा में उस भाषा में दिया जाना चाहिए जो अभियुक्त की भाषा है जिसको अभियुक्त समझ सकता हो पढ़ सकता हो और ऐसी स्थिति में ये जो सिद्धांत है मैंने नीचे लिखा हुआ आर डी एल्ट्रम का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है यह प्रत्येक प्रकार के ट्रायल में मैंने जब सेशन ट्रायल में बता रहा था तो उस समय में मैंने बताया था कि सत्र न्यायालय के द्वारा भी अभियुक्त को विचारण के दौरान आरोप की जानकारी दिए जाने, जाने के आरोप तय करने के पश्चात दंडादेश सुनाए जाने के पूर्व एक अंतिम अवसर दिया जाता है जिसको हम प्री सेंटेंस हियरिंग की संज्ञा देते हैं उसमें दंडादेश की मात्रा का ध्यान दिया जाता है कि दंडादेश कितना इसको दिया जाए तो उस प्री सेंटेंस हियरिंग वो भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सुनवाई के अवसर का सिद्धांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का एक अभिन्न भाग है मैं ये जो बताने का प्रयास कर रहा था कि आपराधिक मामलों में जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है पार्टी मस्ट बी हर्ड नो एक्शन कैन बी टेकन विदाउट विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बिना अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किए हुए लिया गया निर्णय अपास्त किए जाने योग्य होगा शून्य किए जाने योग्य होगा तो ये सभी प्रकार के सेशन ट्रायल में भी है वारंट ट्रायल में भी है समन ट्रायल में भी है और यहाँ पर समरी ट्रायल में जो बता रहा हूँ उस समरी ट्रायल में भी दिया हुआ है तो ये बात हो गई कि अब विधिक सहायता भी हो गया आरोप की संक्षिप्त सूचना भी दे दी गई अब समरी माम समरी ट्रायल में कोर्ट का जजमेंट आना निर्णय आना है तो जजमेंट के अंतर्गत कोर्ट दो ही बातें कर सकती हैं जिसका जैसा कि मैंने बताया या तो अभियुक्त की दोष सिद्धि होगी या अभियुक्त का दोष मुक्ति होगा जहां पर अभियुक्त की दोष सिद्धि होती है समरी ट्रायल में मैक्सिमम तीन माह की सजा होती है आप सभी छात्रों को यह ध्यान कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि संक्षिप्त विचारण के पश्चात जहाँ पर अभियुक्त का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त दोषी है वहाँ पर उस मामले में न्यायालय के द्वारा ऐसे अभियुक्त को अधिकतम तीन माह का कारावास दिया जा सकता है और जो न्यायालय का निर्णय होगा वो न्यायालय की भाषा में होगा लैंग्वेज जो जजमेंट होगा दैट मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कोर्ट की जो भाषा कोर्ट की भाषा हमेशा स्थानीय भाषा होती है ये मैंने पहले भी बताया था तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो ट्राय ट्रायल समाप्ति संक्षिप्त विचारण की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त यदि दोषी पाया जाता है तो उसमें स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम तीन माह का कारावास दिया जा सकता है और यदि दोषमुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये चूँकि छोटे अपराध हैं इसलिए आ, इसमें संचित विचारण होता है समरी ट्रायल होता है अभी मैंने बताने का प्रयास किया कि यदि समरी ट्रायल में कुछ बेसिक चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया जाए जैसे कि आ, इसमें मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन है मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था कि आपराधिक विधि में सुधार के लिए वर्ष 2003 में भारत सरकार के द्वारा न्यायमूर्ति मलिमत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसका नाम है मलिमत समिति मलिमत कमेटी 2003 थाउजेंड थ्री सो दैट कमेटी वॉज सेटअप इन द ईयर ऑफ 2003 थाउजेंड थ्री बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव वैल्यूएबल सजेशन सो दैट क्रिमिनल लॉ जो क्रिमिनल आपराधिक विधि उसमें कोई आधारभूत तो परिवर्तन किया जा सके उसको हम कमेटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म 2003 की भी संज्ञा देते हैं एंड दैट कमेटी इज पॉपुलरली नोन एज मलिमथ कमेटी 2003 तो मलिमथ कमेटी 2003 की रिकमेंडेशन यहां पर उद्धृत करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समिति के द्वारा जो कुछ परामर्श सुझाव दिए गए आपराधिक विधि में सुझाव हेतु वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत तो महत्वपूर्ण है ही है साथ ही साथ समरी ट्रायल के लिए वह समिति की सिफारिश कितनी महत्वपूर्ण है वह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ मलिमठ कमेटी के द्वारा एक भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत जो प्ली बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई वह प्ली बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे मनसा केवल यही थी कि जब भारतीय संसद के द्वारा मलिमथ कमेटी के द्वारा दिए गए सिफारिश को स्वीकार करते हुए वर्ष 2005 में वर्ष 2005 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करते हुए सेक्शन 265 ए जोड़ा गया जो प्री बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट को वैधानिक दर्जा प्रदान किया ये प्री बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है मलिमथ कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर आया मलिमथ कमेटी ने रिकमेंड किया कि चूंकि अमेरिका में ये दो सिद्धांत पहले ही से हैं प्री बार्गेनिंग और प्री बार्गेनिंग में भी चार्ज बार्गेनिंग सेंटेंस बार्गेनिंग दोनों हैं तो अमेरिका दोनों अडॉप्ट किया है लेकिन भारतीय विधि प्रणाली के अंतर्गत केवल सेंटेंस बार्गेनिंग को अडॉप्ट किया गया है और यह अगर सेंटेंस बार्गेन समरी ट्रायल हो या समन ट्रायल है यह चूंकि समाज के लिए उतने हानिकारक अपराध नहीं बहुत इसमें ज़्यादा कारावास नहीं होता इसलिए समरी ट्रायल में भी कोर्ट की एक सिटिंग होगी न्यायालय किसी एक तारीख और समय पर बैठेगा डिसाइड करने के लिए अभियुक्त के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा उसके पक्ष में गवाहों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा निश्चित रूप से एक हफ्ते एक महीने का समय लग सकता है आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या सी ऐसे मामले को डिसाइड कर रहा है जिसमें दो हज़ार रुपये का जुर्माना का प्रावधान है अगर दो हज़ार रुपये जुर्माना से संबंधित आपराधिक मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट एक महीने में कर रहा है या सी के द्वारा एक महीने में किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में न्यायाधीशों की संख्या कितनी ज़्यादा है न्यायाधीशों की संख्या में कमी का होना और समरी ट्रायल में प्रक्रिया प्रोसीजर का अडॉप्ट किया जाना समन ट्रायल में भी प्रोसीजर का अडॉप्ट किया जाना यह निश्चित रूप से ज़्यादा अत्यधिक समय न्यायालय का महत्वपूर्ण समय लगेगा जाया होगा इसलिए बेहतर ये हो आप इसको मुख्य परीक्षा रिटर्न टेस्ट में आप ये सुझाव के रूप में लिख सकते हैं कि जब संक्षित विचारण के समय अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय के द्वारा अभियुक्त से पूछा जाए कि वह अपनी बार्गेनिंग प्रावधान को लेना चाहता है उसके लाभ को लेना चाहता है या धारा 320 के समन अपराध को समन करना चाहता है अपराध पीड़ित के सहमति से उसे वापस लेना चाहता है तो हम न्यायालय के पहले ही सीटिंग में चूँकि दो हज़ार जुर्माने से दंडनीय है और ये सारे जितने भी चोरी के मामले हैं या इस प्रकार के उसमें मैक्सिमम ऐसी संपत्ति जिसकी चोरी की गई संपत्ति जिसका मैक्सिमम वैल्यू दो हज़ार रुपये है अब उसका समरी ट्रायल होगा तो एक महीने लगेगा दो महीने लग सकते हैं ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार का केस न्यायालय के संज्ञान में आए तो कोर्ट अपने ही समझ अभियुक्त से पूछे अपराध पीड़ित से पूछे कि क्या वे दोनों धारा 320 के अंतर्गत अपराध का समन करने को तैयार है और अपराध का समन तय करने को तैयार हैं तो मामले को वहीं पे डिस्पोज आप करते हुए और अभियुक्त को दो कर दिया जाए यदि अपराध का समन हो जाता है यदि आप ये सोचें कि यदि अपराध प्ली बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट को वहीं पे लागू कर दिया जाए तो यह जो लंबी प्रक्रिया है एक तारीख दो तारीख और तारीख पे आगे जो लंबा ये पूरा लिंगन करता है लंबा समय चलेगा विचारण उसमें विशेषकर मेरा जो प्रयास है समन ट्रायल में और समरी ट्रायल में यदि ये दो कॉन्सेप्ट लागू कर दिए जाएँ तीन सेक्शन थ्री समन जो अपराध के समन की बात करता है कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात करता है प्ली बार्गेनिंग दो दूसरा कॉन्सेप्ट है यदि यहीं पर अपराध ट्रायल के प्रारंभ में ही अगर इसको अडॉप्ट कर लिया जाए तो न्यायालय का महत्वपूर्ण समय अन्य गंभीर आपराधिक मामलों के विचारण में उसको प्रयोग में लाया जा सकता है तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि कैसे हम आपराधिक न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या को कम कर सकते हैं इस समरी ट्रायल में प्ली बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट को ला हम समरी ट्रायल में कैसे 320 के अंतर्गत अपराध का समन करके मामले को हम स्पीडी ट्रायल कर सकते हैं स्पीडी जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं और मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि जब समरी ट्रायल है संक्षेप में विचार प्रारंभ हो रहा है तो उसी समय यदि न्यायालय कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस मामले में संज्ञान बाद में न्यायालय ने लिया है या जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 468 में प्रावधान किया गया है कि आपराधिक मामलों का संज्ञान एक समय के पश्चात नहीं लिया जा सकता है तो जो संज्ञान के प्रावधान है उस आधार पर भी हम धारा फोर सिक्सटी एट सी जो शक्ति प्रदान करती ट्रायल कोर्ट को कि जो मात्र जुर्माने से दंडनीय है उसमें छः माह के भीतर संज्ञान ले ले और जो एक वस्तक के कारावास से दंडनीय है उस आपराधिक मामलों का संज्ञान एक वर्ष के भीतर न्यायालय ले ले जो तीन वस्तक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं उसमें न्यायालय तीन वर्ष के भीतर संज्ञान कभी भी ले ले तो ऐसी स्थिति में यदि संज्ञान के स्तर पर ही संज्ञान कोर्ट ऐसे अपराध जो छोटे हैं जो कम कारावास से दंडनीय हैं संज्ञान वहीं पर ले ले या रिजेक्ट कर दे तो निश्चित रूप से जो पेंडेंसी आप सूट आपराधिक न्यायालयों के समझ लंबित वादों की संख्या है हम उसको कम कर पाएंगे तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि कैसे सेक्शन फोर सिक्सटी एट भी इसमें बहुत उपयोगी हो, हो सकता है यूजफुल हो सकता है अब जैसा कि सामान्य है संविधान के आर्टिकल बीस दो यदि समरी ट्रायल में भी किसी को दोषी सिद्ध किया गया है तीन महीने की सजा हुई है तो उसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए पुनः उसका ट्रायल नहीं हो सकता यदि पुनः उसका ट्रायल होता है तो इस संविधान के आर्टिकल बीस दो का उल्लंघन माना जाएगा और डबुल जी पार्टी के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन उसे प्राप्त है वह उसका दावा कर सकता है तो मैंने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से किन किन उद्देश्य को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जो स्पीडी ट्रायल है इसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या है पहला कि संविधान की आर्टिकल इक्कीस द्वारा मैंडेटेड स्पीडी ट्रायल शीघ्रतर विचारण को सुनिश्चित करना दूसरा स्पीडी जस्टिस शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना जो भारतीय संविधान की आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत शीघ्र सिग्र न्याय शीघ्रतर विचारण यह जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रत्यक्ष प्रश्न है जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ मुद्दा है और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी एम एच हाउसॉड वर्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए या आई आर की केस में यह निर्णित किया गया कि राइट टू फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है तो यदि हम स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करना चाहते हैं स्पीडी जस्टिस सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हम समरी ट्रायल के माध्यम से कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रायल जैसे ही विचार प्रारंभ हो उसी समय यदि ट्रायल कोर्ट दो बातें कर ले सेक्शन 320 को अप्लाई कर दे या प्ली बार्गेनिंग को अप्लाई कर दे तो निश्चित रूप से यह स्पीडी ट्रायल मामले का शीघ्रतर विचारण हो सकेगा और ऐसा करने से हम और भी क्या कर सकते हैं हम जो आपराधिक न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों की संख्या है उसको भी मिटिगेट कर सकते हैं उसको भी कम कर सकते हैं दूसरी बात यदि समरी ट्रायल में पूरी एक्सरसाइज हो जाए ट्रायल कोर्ट के द्वारा पूरा एक्सरसाइज किया जाए और पनिशमेंट दिया जा रहा है दो सिद्धि के पश्चात तीन महीना अधिकतम मैक्सिमम पनिशमेंट है तीन माह का समरी ट्रायल में हो सकता है कि एक माह का कारावास हो या मात्र जुर्माने लगा करके फाइन लगा करके छोड़ दिया जाए तो जहाँ पर किसी भी न्यायालय की व्यस्तता ऐसे अपराध को निस्तारित करने में है जिसमें मात्र 100-200 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है एक माह का कारावास दिया जा रहा है ऐसे मामलों को यदि हम समन मामले में ही ऐड कर दें अर्थात एक प्रकार का जो एक प्रकार का मेरा सजेशन सुझाव है कि समरी ट्रायल तो दे दिया गया कि कितने कितने अपराध का समरी ट्रायल होगा वास्तव में यह जो समरी ट्रायल के प्रावधान है और धारा 260 से लेकर 265 तक के जो प्रावधान है इसकी उपयोगिता आपराधिक मामलों में बहुत ही कम है आप ये सोचें कि जब कभी भी एफ होगी तो एफ के अंतर्गत वो जब समरी ट्रायल के मामले आएंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसे वस्तु की व्यवहारिकता अगर आप देखें मैं अब दूसरी बात कर रहा हूँ व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूँ कि ऐसी वस्तु की चोरी जिसका मूल्य दो हज़ार रुपये से कम है एक हज़ार रुपये की वस्तु चोरी चली गई प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति जा रहा है उसका पर्स गिर गया चोरी में कोई पैकेट माल दिया उसमें दस हज़ार रुपये थे उसकी घड़ी थी वह दो हज़ार रुपये की वह चोरी अगर उस घड़ी की कीमत दो हज़ार रुपये है तो उस घड़ी की कीमत के लिए वह व्यक्ति एफ आई आर करने जाए एफ आई आर करेगा अन्वेषण होगा उस व्यक्ति से पूछताछ होगी जिसका वो सामान खो गया है उसको भी न्यायालय के समझ गवाह के रूप में लाया जाएगा किसी तारीख और समय पर उसकी दो हज़ार रुपये कीमत की घड़ी चोरी हो गई थी अब न्याय कोर्ट इसमें संज्ञान लेने जा रहा है कोर्ट इसमें ट्रायल करने जा रहा है और दो सिद्धि जब हो पुलिस में पुलिस भी क्या कार्य कर रही है पुलिस अभियुक्त को अरेस्ट कर रही है न्यायालय में प्रोड्यूस कर रही है तो ऐसी स्थिति में अब इस प्रावधान को अगर हम समन ट्रायल से ही जोड़ दें तो ये मानते हुए कि चूंकि जो मात्र जुर्माने से दंडनीय अपराध है उसको हम समन केस में ले लें और समन ट्रायल के जो प्रक्रिया समन ट्रायल में अपनाई जाती है वही समरी ट्रायल में अपनाते हुए हम अभियुक्त को दोषी सिद्धि प्रदान कर दें क्योंकि समन ट्रायल और समरी ट्रायल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि जो प्रक्रिया समन मामलों में अपनाई जाती है मोर आर लेस जो है वो भी समरी ट्रायल में अपनाई जाती है तो यद्यप कि इसमें एक सीमा बांध दी गई है कि ऐसी वस्तु जो चोरी की है चोरी की हुई वस्तु की कीमत दो हज़ार रुपये से कम है तो उसमें समरी ट्रायल होगा इत्यादि दूसरी बात स्वयं उसी धारा 260 में लिखा हुआ है कि वे अपराध जो मृत्युदंड आजीवन कारावास दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है उन अपराधों का समरी ट्रायल हो सकता है तो ऐसी स्थिति में उस उस मामलों में तो समन ट्रायल भी होता है जो दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय मामले में समन मामले होते हैं तो वह समन उस मामलों में समन ट्रायल भी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ये ऐसी स्थिति में बेहतर समरी ट्रायल में भी न्यायालय का अनावश्यक समय न्यायालय का जो महत्वपूर्ण समय है वह अभी जाया होगा इसलिए हम समरी ट्रायल में विचारण ट्रायल प्रारंभ होने के पहले ही कोर्ट के द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अभियुक्त और अपराध पीड़ित क्या अपराध समझौता करना चाहते हैं यदि समझौता करना चाहते हैं तो अपराध पीड़ित के समझौते के आधार पर यदि अभियुक्त उतनी धनराशि जितना अपराध पीड़ित की तरफ से मांग की गई है वह देने को सहमत होता है तो निश्चित रूप से यह अपराध उस अपराध को अपराध पीड़ित और अभियुक्त के आपसी सहमति से वापस लिया जा सकता है और उस अपराध के समन का प्रभाव दोष मुक्ति होता है जैसा कि धारा 320 में प्रावधानित किया गया है तो हमने देखा कि कैसे अपराध के समन को लागू करके हम समरी ट्रायल को बहुत कम समय में निस्तारित कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं कैसे हम प्री बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करके समरी ट्रायल को बहुत कम समय में हम कंप्लीट कर सकते हैं ये केवल और केवल उद्देश्य बताने का ही है कि समरी ट्रायल चूँकि बहुत आ, कम गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं उसमें समरी ट्रायल होता है तो हम अगर समरी ट्रायल में ये अगर मेथड अपनाएं ये प्रक्रिया अपनाएं तो शीघ्रतर जो न्याय है आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत हम उसको सुनिश्चित कर पाएंगे ऐसा अब इसके पश्चात यदि हम बात करें कि समरी ट्रायल के अंतर्गत किन किन अपराधों का गृह अतिचार भी मैंने बोला था कि किन किन अपराधों का समरी ट्रायल हो सकता है और अब समरी ट्रायल के अंतर्गत एक जो लास्ट था कि अधिकतम पनिशमेंट इनमें तीन माह का मिलता है तीन माह के कारावास का प्रावधान किया गया है अभी 2005 के पहले मैंने इसमें आपको ये बताया कि ऐसे भी अपराध हैं जो दो मात्र दो सौ रुपये जुर्माने की जिसकी कीमत दो सौ रुपये की थी ऐसे ऐसे वस्तु की चोरी जिसकी जिस वस्तु की कीमत मात्र दो सौ रुपये है उसमें भी ट्रायल का प्रावधान किया गया था अगर चोरी है चोरी की गई संपत्ति की कीमत वैल्यू अगर टू टू हंड्रेड है दो सौ रुपये है तो आप ये कल्पना करें कि उसमें भी कोर्ट ट्रायल करेगा समरी ट्रायल होगा उसमें और उसकी यदि एफ होती है तो उस मामले में पुलिस अन्वेषण भी करेगी इन्वेस्टिगेशन भी करेगी उसमें चार्जशीट भी आएगी और चार्जशीट आने के बाद कोर्ट उसमें संज्ञान भी लेगा संज्ञान लेने के बाद कोर्ट उस मामले को ट्रायल के लिए भेजेगा आप ये समझ सकते हैं कि जिस वस्तु की कीमत दो सौ रुपये है उस दो सौ रुपये की चोरी के वस्तु के लिए कितनी लंबी प्रक्रिया है कि एफ आई आर का रजिस्ट्रेशन कराया जाना पुलिस के द्वारा अन्वेषण किया जाना न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना फिर कोर्ट के द्वारा उस पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करना संज्ञान लेने के पश्चात उस पर ट्रायल होना आप ये समझ सकते हैं फिर उसमें अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त करना अधि अभियुक्त यदि निर्धन है गरीब है तो राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को अधिवक्ता उपलब्ध कराना और आज की डेट में एक दिन के अधिवक्ता की जो अपीयर होने की जो फीस है आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन आ, सरकारी जो अधिवक्ता सरकार के खर्चे पर जो अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर केस को डिफेंड करेगा उसकी राज्य के द्वारा कितना उसमें उसको नियुक्त पैसा देना है हम 2000 आज के वर्तमान में माने कि जो समरी ट्रायल उन अपराधों में होता है जो अपराधों की कीमत आप इसको अगर स्लाइड पर मैंने बताने का प्रयास किया था कि आप देखें किन किन अपराधों का समरी ट्रायल होगा ये मैंने जो स्लाइड में बताया था 379 और 380 सौ अस्सी भारतीय दंड संहिता आई में संपत्ति जिसका मूल्य दो हजार रुपये से कम हो ऐसी प्रॉपर्टी जिस जो चोरी हुई है उसका मूल्य दो हजार रुपये से कम है तो उसमें समरी ट्रायल होगा अब इस समरी ट्रायल होगा और अभियुक्त सपोज जो चोरी किया है अगर वह निर्धनता के कारण अपना अधिवक्ता न्यायालय में नियुक्त करने में असमर्थ है तो राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी और आज की डेट में आप कल्पना करें कि एक दिन अगर अधिवक्ता अपियर होता है दो दिन अगर अपियर होता है केस अगर एक दो दिन चला गया एक दिन अपियर हुआ अधिवक्ता सरकार के खर्चे पर दो दिन अधिवक्ता हुआ सरकार के खर्चे पर अपियर तो एक दिन अपीयर होने की वर्तमान में सरकारी अधिवक्ता को भी सरकार के द्वारा फीस देनी पड़ती है अपियर होने की आप उसका एक दिन का अगर आप देखेंगे जो अधिवक्ता को पार्श्रमिक दिया जाता है अन्दियम दिया जाता है वह एक दिन का वास्तव में दो हज़ार रुपये से ज़्यादा हो जाएगा और दो दिन अगर अपियर हो गया अधिवक्ता यदि अधिवक्ता पाँच दिन अपियर हो गया ट्रायल पाँच दिन चल गया तो दो हज़ार रुपये की चोरी है और अधिवक्ता की फीस सरकारी अधिवक्ता की फीस हो गई दस हज़ार रुपये और उसमें जो न्यायालय का समय लग रहा है न्यायाधीश को बैठना पड़ रहा है ट्रायल के लिए वह भी अनावश्यक वह भी उसका महत्वपूर्ण समय जो है ऐसे कार्यों में जा रहा है तो आप कल्पना करें कि कैसे समरी ट्रायल दो हज़ार रुपये की कीमत है और हम अगर वह अभियुक्त कहीं अगर निर्धन निकल गया गरीब है प्रमाणपत्र न्यायालय में दे दिया कि वह अधिवक्ता के फीस देने की स्थिति में नहीं है तो यह सरकार की संवैधानिक दायित्व तो है कि उसे सरकार के खर्चे पर अधिवक्ता नियुक्त किया जाए और जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक सरकार अधिवक्ता जितनी बार अपीयर होगा उसका पर अपीयरेंस प्रतिदिन के अपीयरेंस के हिसाब से उसका अनियम बनता है तो आप कल्पना करें कि इन प्रकार की जो असुविधाओं से बचने के लिए जो समरी ट्रायल जो संक्षेप में बेचाण की प्रक्रिया है अगर हम इसको निश्चित रूप से आ, इसको समन ट्रायल के अंतर्गत ही इंक्लूड कर दें या केवल समन ट्रायल में भी किया जा सकता है उस उस प्रावधानों के अंतर्गत भी इसको लाया जा सकता है एक ए, आप इसको लिखित परीक्षा में सुझाव दे सकते हैं दूस, दूसरा जब समरी ट्रायल प्रारंभ होता है उसी समय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त और अपराध पीड़ित को यह कंप्रोमाइज पैक्ट के लिए समझौते के लिए एक आवेदन दिया जाना चाहिए कि ये अभियुक्त अगर आवेदन देता है अभियुक्त तो चाहेगा कि वह जेल में है तो आवेदन दे करके जल्दी बाहर आए और अपराध पीड़ित को भी यह समझाया जाए कि इसमें न्यायालय का न्यायालय का महत्वपूर्ण समय होगा और अपराध पीड़ित का भी समय बर्बाद होगा यदि वह दोनों चाहें तो अपराध का समन कर सकते हैं और 320 में ऐसा प्रावधान किया गया है स्टैच्यूट यह अनुमति प्रदान करता है 320 के अंतर्गत कि अपराध का समन किया जा सकता है तो यदि अपराध का समन उसी स्थान पर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से यह ट्रायल का जो समय है वो कम हो जाएगा और हमारी जो शीघ्रतर न्याय करने की स्पीडी जस्टिस करने की जो मनशा है जो इच्छा है विधायिका की उसकी भी प्रतिपूर्ति होगी और जो संविधान की इच्छा है कि स्पीडी ट्रायल हो शीघ्रतर विचारण हो अनावश्यक मामलों में विलम्ब न हो और बिला स्पीडी ट्रायल नहीं होगा तो अभियुक्त जेल में होगा और जेल में उसके रहने से सरकार के खर्चे उसके उसके राइट का उसके सारी स्वतंत्रता का उल्लंघन इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि समरी ट्रायल के समक्ष प्रारंभ होने के स्तर पर ही एट द टाइम ऑफ ट्रायल यह कोर्ट के द्वारा 320 को या प्ली बार्गेनिंग को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो निश्चित रूप से यह स्पीडी ट्रायल हम सुनिश्चित कर पाएंगे न्याय स्पीडी जस्टिस होगा कम खर्चीला न्याय होगा और दोनों पक्षकारों के लिए हितकर होगा सरकार के लिए भी हितकर होगा न्यायपालिका के लिए भी हितकर होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैंने इस समरी ट्रायल के अंतर्गत जितने भी संविधिक प्रावधान स्टैचुट्री प्रोविजन है और भारतीय संविधान के प्रावधान थे उसको बताने का प्रयास किया पूरा विश्वास है कि समरी ट्रायल से संबंधित सभी प्रावधान आपको समझ में आया होगा इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने व्याख्यान को यहीं पर विराम करता हूँ थैंक यू धन्यवाद